हमारे साथ ज्ञानेन जी मौजूद हैं, बहुत लंबा एक्सपीरियंस इनका भी रहा है यूपी में। सर, कहाँ देख रहे हैं आप इस बार चुनाव को? क्योंकि राशन के भी नवल सर ने बात की कि राशन जा रहा है एक तरफ, और जाति समीकरण की पहले बात करेंगे। जाति समीकरण किस पार्टी के हक में हो रहा है और क्या बसपा कांग्रेस दिख रही है कहीं? देखिए, अभी जो समीकरणों की बात है, प्रमोद सर ने बड़े अच्छे तरीके से पूरे इस गणित को समझाया है। और ये जो पांचवा चरण है, नवल भाई भी जो बोल रहे हैं कि चार चरणों से पहले समझ में आने लगता था शुरुआती दौर में, चाहे वो 2007 हो, 12 हो, 2017 तक भी दिखने रहा था कि किस पार्टी के हक में मतदाताओं का रुझान हो रहा है। लेकिन ये जो पांचवा चरण है, अब यहां तक आने के बाद भी अभी भी सस्पेंस बरकरार है और वोटिंग का परसेंटेज भी ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि आखिर जनता चाहती क्या है। तो मन में जो रखे हुए हैं, मन की बात तो 10 मार्च को ही शायद साफ हो पाएगी, लेकिन ये जो पांचवा चरण है, अगर इसकी बात करेंगे तो इस चरण के जो सियासत के तमाम रंग हैं, जो स्पेक्ट्रम में, वो सारे हम दिखाई दे रहे हैं यहां पर। क्योंकि यहां पर राजे रजवाड़ों के बीच में फाइट हो रही है। राजे रजवाड़े अगर एक तरफ हैं तो बागी हैं, दबंग हैं, दिग्गज हैं, सियासी विरासत की सियासत भी संभाले हुए हैं। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से मौजूद हैं, हालांकि उनकी घेराबंदी की भी कोशिश की गई और ये कोशिश वैसी ही दिखाई दे रही है जैसे करहल में अखिलेश यादव को एसपी सिंह बघेल के जरिए घेरने की कोशिश हुई। तो आप समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के दिग्गजों को छोड़ना नहीं चाह रही है और इसी वजह से वहां पर कोशिश की जा रही है सिराथू में। इसके अलावा अयोध्या जो सबसे बड़ा एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रयोगशाला है, जिसने बीजेपी को अर्श से यहां पर अर्श पर पहुंचाया फर्श से, तो ऐसे में जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए बड़ा स्टेक है। क्योंकि ये जो पूरा इलाका है 118 पांचवें और छठे चरण की बात करें, अयोध्या तो कल अखिलेश यादव गए हैं और वो बजरंग बली की मूर्ति लेकर काफी देर उन्होंने वेव किया वहां पर। आपको लग रहा है अखिलेश का वहां पर जाना कहीं ना कहीं बीजेपी के हिंदुत्व वाली पिच पर कुछ समाजवादी पार्टी के लिए असर डालेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि बीजेपी बड़ी महारथी है हिंदुत्व की पिच की बात, लेकिन निश्चित तौर से अखिलेश यादव कल जब वहां पर पहुंचे तो अखिलेश यादव ने सॉफ्ट हिंदुत्व की जो बार बार बात होती है उसमें चाहे कांग्रेस भी वैसा करते दिखाई दे रही है, और वहां पर उसी तरीके से खुद आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल भी वहां पर पहुंचे, तो सारे दल जो अभी तक सेक्युलरिज्म के, आपने प्रत्याशी भी खड़ा किया है, बिल्कुल सेकुलरिज्म की वजह से उनको लगता था कि सेकुलर इस उनका जो एक माहौल है उस मुखौटे में कहीं अंतर आ जाएगा, इस वजह से वहां से जाने से संकोच करते थे। लेकिन ये बीजेपी की एक तरीके से उपलब्धि भी कही जा सकती है कि उसने जो पिच अपनी बिछाई हिंदुत्व की, बीजेपी तो पूरी तरीके से इस चुनाव में भी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर ही दिखाई दे रही है और सीधे तौर से तमाम जगहों पर ध्रुवीकरण अगर होता है तो बीजेपी उसी के जरिए फायदा उठाने की बात ही करेंगे।